रायबरेली नगर पंचायत के 5 चेयरमैन वैश्य समाज के साथ लोकसभा में निभाएंगे अहम भूमिका। डॉक्टर सुमंत वैश्य समाज के 5 जीते चेयरमैन समाज के साथ लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। आगामी दिनों में हुए नगरपालिका और नगर पंचायत के चुनाव में 10 सीटों में वैश्य समाज के 5 चेयरमैन चुने गए। इस जीत से प्रसन्न वैश्य एकता परिषद ने स्थानीय बाटी रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम में जीते हुए सभी चेयरमैनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने दावा किया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले हुए नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में एक बात साफ हो गई कि सोशल इंजीनियरिंग का दावा करने वाले मठाधीशों की इंजीनियरिंग फेल हो गई। लाख विरोध के बाद भी जनता ने वैश्य समाज के प्रत्याशियों पर अपना विश्वास जताते हुए 5 में से 10 सीटें दी हैं, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज का मतदाता अहम भूमिका निभाएगा। वैश्य एकता परिषद का आज नव निर्वाचित वैश्य समाज के नगर पंचायत के अध्यक्ष व सभासदगणों का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सम्मान के कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेष बात थी कि 5 नगर पंचायत के अध्यक्षगण इस कार्यक्रम में भागीदार किए, और इसकी विशेष बात यह है कि विभिन्न राजनीतिक दलों से जीत कर आए वह समाज ने आज अपनी ताकत इस नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में दिखाने का काम किया। दूसरी विशेष बात यह है, विभिन्न उपवर्गों के चुनकर आए वह समाज के नगर पंचायत अध्यक्ष, और तीसरी बड़ी विशेष बात यह है, सभी राजनीतिक दलों के लोग इस चुनाव में जीते, और विशेष बात यह है, निर्दलीय भी चुनाव में जीतकर विभिन्न परिस्थितियों से लोहा लेते हुए संघर्ष करते हुए नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जीता है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज इस सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि 10 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन एवं शपथ ग्रहण समारोह पूरे राष्ट्र और प्रदेश के पदाधिकारियों का रायबरेली की धरती पर किया जाएगा। आज कुछ पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई, जिसमें राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष में डॉक्टर संजय रस्तोगी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में प्रेमनाथ गुप्ता जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में तुंगनाथ गुप्ता जी और कन्हैया लाल जी तथा अन्य पदाधिकारियों की आज इस सम्मेलन में घोषणा की गई। दो हजार चौबीस का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पूर्व सितंबर में जो राष्ट्रीय अधिवेशन और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण होगा, उसमें भविष्य की रणनीति और योजना तय करके उसमें खुलासा करेंगे हम क्या करने वाले हैं। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।